बहुत बड़ी खबर सामने आई है जवान की तरफ से, अल्लू अर्जुन की तरफ से, कि अल्लू अर्जुन अभी जवान में और कैमियो नहीं करेंगे। उनका जो 10-15 मिनट 20-25 मिनट तक की एक कैमियो बोला जा रहा था, जो कि स्टोरी उनके इर्द गिर्द घूमने वाली है, वो शाहरुख खान के छोटे भाई के रूप में आने वाले हैं वगैरह वगैरह, ऐसा करके एक गर्म माहौल था, एक बड़ा ही जबरदस्त माहौल था। लेकिन वो माहौल का अभी सत्यानाश हो चुका है और जवान मूवी में अल्लू अर्जुन और कमियो नहीं करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसका खबर अभी सामने आ चुका है पिंक बिल्ला की तरफ से। एक्चुअली गाइस, इसका रीजन ये है कि अल्लू अर्जुन अभी पुष्पा 2 में बिजी हैं और पुष्पा 2 मूवी आने में, गाइस पुष्पा 1 देखो 2021 में आया था और पुष्पा 2 अभी तक नहीं आया है। पुष्पा 2 के बारे में अभी भी कुछ भी नहीं आया है, मतलब अभी 8 अप्रैल जो आ रहा है, अल्लू अर्जुन की जो बर्थडे वाला दिन आ रहा है, उसी दिन ग्लिम्स देखने को मिल सकता है या फिर मोशन पोस्टर देखने को मिल सकता है। मतलब पुष्पा 2 की तरफ से आने वाले, मतलब अप्रैल के मंथ में ही कुछ देखने को मिलेगा, अभी तक कुछ भी देखने को नहीं मिला था। मतलब पुष्पा 2 बहुत ज़्यादा डिले हो चुका है, तो पुष्पा 2 को फुल टू टाइम देना चाहते हैं अल्लू अर्जुन अभी। और सुकुमार जिस तरह की पुष्पा 2 को मतलब बिल्ड कर रहे हैं, जिस तरह का शूटिंग, जिस तरह का मेकिंग हो रहा है पुष्पा 2 का, पुष्पा 1 से डबल घुसबम देने वाली है। तो पुष्पा 2 को ज़्यादा फोकस देने की डिसीजन ऑलरेडी अल्लू अर्जुन ले चुके हैं। और इससे भी एक बड़ा रीज़न ये है जवान में ना जुड़ने की, कि पुष्पा 2 में अल्लू अर्जुन की सिंपल, वो जैसे मतलब उनका जो जेन्युइन लुक है वो एक्चुअली नहीं होता है। पुष्पा 2 में पुष्पा भाव का जो लुक है वो बड़ा ही डिफरेंट होता है, खतरनाक होता है, किलर वाला होता है। तो वो लुक को, मतलब वो लुक एक्चुअली उनको मतलब अभी बिल्डअप करना है, वो लुक में समा जाना है उनको, और पुष्पा 2 में ही बखूबी जुड़ना है। तो जवान में अगर आएंगे तो पुष्पा 2 वाला लुक तो लेकर के नहीं आएंगे ना, तो वो अभी उसमें ही काम कर रहे हैं, तो जवान में वो अभी और काम नहीं कर सकते। तो जवान में वो ना जुड़ने की खास करके यही वजह है कि वो पुष्पा 2 के शूटिंग में व्यस्त हैं, और दूसरा है पुष्पा भाव की लुक। तो ये दोनों रीजन को बता करके अभी अल्लू अर्जुन जवान मूवी में ना, मतलब नहीं जुड़ सकते। उनका तो इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा था और लोग भी बहुत चाहते थे, माहौल बहुत ज़्यादा गर्म था कि अल्लू अर्जुन शाहरुख खान की कम्बो हमें देखने को मिलेगा, बहुत ज़्यादा घुसपम मिलेगा बोल करके। लेकिन अभी वो अभी नहीं हो सकता क्योंकि अल्लू अर्जुन और जवान में नहीं आ रहे हैं। अगर हम जवान मूवी की अभी यहाँ पे बात करें ना गाइस, तो जवान मूवी लिटरली, यार जवान मूवी किसी कैमियो का मोहताज नहीं है, शाहरुख खान अकेले ही बहुत कुछ है। और जिस तरह का अभी उनका कमबैक हुआ है, जिस तरह का एक्शन रूप में आ रहे हैं और जिस तरह का अभी वो अपना दहाड़ मचा रहे हैं, और ऊपर से अटली कुमार इस फिल्म को डायरेक्शन दे रहे हैं, और फिल्म की प्लॉट, इस फिल्म की जो अनाउंसमेंट वीडियो, ये सारा चीज़ जो आया है ना, ये सारी चीज़ को देख करके, मतलब जवान मूवी किसी कैमियो का मोहताज नहीं है। चाहे उसमें थलपति विजय की कैमियो ना हो या फिर अल्लू अर्जुन की कैमियो ना हो, कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, शाहरुख खान अकेले ही काफ़ी है वहाँ पे, ये बात तो तय है। और भाई थलपति विजय सर की कैमियो तो कन्फर्म है, ये तो है, लेकिन अल्लू अर्जुन के ऊपर जो उनका जो कैमियो था एक अहम भूमिका को लेकर के, वो अभी कैंसिल हो चुका है। देखा जाए कि अल्लू अर्जुन की जगह पे अभी अटली कुमार किसको ले रहे हैं। और जवान मूवी, मैंने बोला ना कि किसी कैमियो का मोहताज नहीं है जवान मूवी की, अगर उसकी वो फिल्म के बारे में अगर हम बात करें, तो उसकी कलेक्शन की अगर बारे में बात करें ना गाइस, तो 1000 करोड़ तो कन्फर्म रख दो, उसके ऊपर अगर कोई बात करना है तो करो, मैं यही कहता हूँ। क्योंकि जवान मूवी अभी इस कदर मतलब ऊपर है, तो अल्लू अर्जुन की ये कैमियो वाला कैंसिल होने से जवान मूवी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा लिटरली। लेकिन एक बहुत बड़ा मज़ा आता है, एक बहुत बड़ी कम्बो को देखने को मिलता है, और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर को जवान जैसी फिल्म में देखने को मिलता, तो ये एक बहुत बड़ी कमाल की बात होती, जो कि हमें नहीं मिलेगा यार देखने को, क्योंकि ऑलरेडी पुष्पा 2 में वो जुड़ चुके हैं। तो यहाँ पे सवाल मेरा ये है गाइस, कि अल्लू अर्जुन की ये वाला डिसीजन आपको कैसी लगी? पुष्पा 2 मूवी बहुत जल्दी लाने के लिए, पुष्पा 2 मूवी में अच्छी तरह से 100% जुड़ने के लिए जवान मूवी को छोड़ने का जो डिसीजन उनका है अभी का, वो डिसीजन में अल्लू अर्जुन के साथ आप कितने साथ हो, ज़रूर कमेंट करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव ए नाइस डे, टेक केयर।